टाइम हो गया है पिग फीलिंग समझने का। आज ग्रोवर गुस्सा है। हेलो दोस्तों, जैड मजूसा और मैं आज बकरियां बनने का नाटक कर रहे हैं। अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मजूसा, जैड और मैं बकरी बनने का नाटक कर रहे हैं, पर मजूसा बकरी है ही। ओ बस्मा, क्या तुम ठीक हो? मेरे सिंग खराब हो गए। क्या तुम मेरे सिंग पहनना चाहोगी बस्मा? थैंक यू जैड, लेकिन अब मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा है। एक फीलिंग्स को पहचानो। चिकन कहती है हमारी एक दोस्त को बिग फीलिंग्स हो रही है। बस्मा तुम ठीक हो? क्या तुम देखना चाहोगी कौन है? मुझे लगता है ठीक है। बिग फीलिंग्स हो तो देखो मैं हूँ ना, और मैं दोस्तों के लिए हमेशा हम है ना। बिग फीलिंग्स होती है सबको, बिग फीलिंग्स है ओके। कौन है बाजमा? ग्रोवर है और जरूर उसे बिग फीलिंग हो रही है। देखो उसका मुंह ऐसा लग रहा है और उसका चेहरा ऐसा है, और उसने अपने हाथ यूं बांध रखे हैं। बस्मा हमें उससे मिलना चाहिए। ठीक कहते हो जैड, चलो चले चलो चले चलो चले। बिग फीलिंग्स होती है सबको, बिग फीलिंग्स है ओके। हाय अलोम, हाय ग्रोवर, क्या हुआ? हेलो जाड, हेलो बस्मा, हेलो चिकन। तो मैं यहाँ पर बैठा था अपनी खास ऊंची टोपी पहनकर, और मुझे गर्मी लगी तो मैंने इसे उतार कर बेंच पर रख दिया मेरे बगल में। तभी मैंने अपने प्यारे दोस्त ग्रोवर को वहाँ से देखा और मैं उसे सरप्राइज करना चाहता था, तो मैं वहाँ से भागा और यहाँ से कूदा बेंच पर, और उसकी बहुत खास ऊंची टोपी खराब हो गई। मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के नहीं किया हलूम, ये सिर्फ एक गलती थी। ओ ग्रोवर, लगता है तुम्हें एक बिग फीलिंग महसूस हो रही है। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे बहुत बड़ी वाली फीलिंग हो रही है। चिकन कहती है जब तुम्हारी प्यारी चीज बर्बाद हो, तुम्हारा मुंह नीचे की ओर मुड़ जाता है और तुम्हारा शरीर कस जाता है। और तुम तेज सांसें लेते हो अपने नाक से, उसे कहते हैं गुस्सा होना। ओह वाह ग्रोवर, तुम्हें बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कुछ देर पहले मुझे लग रहा था। मैं गुस्सा थी कि मेरे बकरी के सींग बर्बाद हो गए। हाँ, मुझे लगता है कि मैं भी बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। मैं गुस्सा हूँ। ठीक कहती हो चिकन, गुस्सा होना नॉर्मल है ग्रोवर, सबको कभी ना कभी गुस्सा आता है। शायद वो सच है, लेकिन गुस्सा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शायद तुम पेट से सांस ले सकते हो। ओह ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। पहले धीरे से गहरी सांस अंदर लो, फिर धीरे से सांस छोड़ो। क्या तुम्हें बेहतर लग रहा है ग्रोवर? हाँ, मैं ग्रोवर बेहतर फील कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ इस खास पिचकी हुई टोपी का? शायद तुम इसे सर के साइड से पहन सकते हो। सर की एक तरफ कहा तुमने? करके देखो ग्रोवर। तो कैसा लग रहा हूँ मैं? पहले से बहुत ज्यादा प्यारा मेरे दोस्त। बहुत शुक्रिया हलूम। बेली ब्रीदिंग बढ़िया तरीका है बेहतर महसूस करने का जब आप गुस्सा हो। और पता है जैड, क्यों चाहिए कागज के सींग जब हमारे पास उंगलियां हैं? मैं